हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। तो मैं बनाने जा रही हूँ व्रत वाली पकौड़ी, तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने आलू ले लिए थे 4, जो कि बड़े साइज के थे और एकदम लंबे लंबे काट दिए। तो इसी के अंदर मैंने डाल दिया था धनिया, मिर्ची, लाल मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा कद्दूकस करके अदरक भी डाल दिया। अब ऊपर से डाल दिए थे मैंने 2-3 चम्मच इसमें कुट्टू के आटा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। तो नमक डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत और लगेगी आटा डालने की तो आटा डाल दूँगी, अगर थोड़ा पानी का छींटा मारूँगी इसमें, ताकि ये ड्राई काफ़ी है। तो बस इस तरह से कुछ मैं बना ली हूँ और इसको गर्म ऑयल में मैं एकदम डाल देती हूँ एक एक आलू करके, और बहुत जल्दी बन जाती है, काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो काफ़ी खास कर ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि आलू की कोई भी डिश हो बच्चों को पसंद आती ही आती है। तो बस मैं एक बार में जितना आएगा इसमें डाल दूंगी और इसको मैं एकदम गोल्डन होने तक तल दूंगी अच्छे से अलट पलट के। और बस उसके बाद मैं डालने के बाद जब तक वो तली जा रही है, मैंने सोचा क्यों ना चटनी बना लूं। तो चटनी में मैंने ले ली है हरी धनिया, हरी मिर्च और एक टमाटर है बहुत छोटा सा, इसको मैं कट करके डाल दूंगी चटनी में। और धनिया बहुत महंगा हो रहा है तो धनिया मैंने थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है 400 रुपये केजी धनिया हो रहा है। तो बस थोड़ा अदरक डाल दूंगी, और अदरक ना चटनी में काफ़ी टेस्टी लगता है हरे धनिए की चटनी में। बस थोड़ा सा सेंधा नमक डालूंगी, क्योंकि व्रत में खाने के लिए बना रही हूँ इसीलिए सेंधा नमक डालूंगी। तो मेरी चटनी बनके रेडी है, काफ़ी टेस्टी सी चटनी लग रही है और ख़ासकर पकौड़ी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है हरे धनिए की चटनी। तब तक मेरी पकौड़ी भी सीक गई थी, तो एकदम गोल्डन होके मैंने सेकी है। तो बस इसको मैंने कम आंच पे सेका है, मतलब मीडियम, ज़्यादा कम में सेकते हैं ना तो ऑयल को पी जाती है जो पकौड़ी रहती हैं। तो मैंने मीडियम आंच में इनको सेक लिया है बहुत अच्छे से अलट पलट कर, और एकदम क्रंची हो गई हैं, एकदम करारी हो गई हैं। तो बस आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं। और जो दूसरा वाला, मतलब जो थोड़े आलू और बचे थे, मैं वो भी डाल दूँगी। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर कोई गेस्ट आ जाए या फिर किसी का बच्चे का फास्ट है व्रत में, मतलब लंच में रखनी है तो जल्दी से ये बन जाती हैं, क्योंकि आलू काटने रहते हैं ना, कोई चीज़ उबालनी रहती है ना छीलनी रहती है, तो बहुत फास्ट बन जाती है और काफ़ी टेस्टी लगती है, खासकर बच्चों को बहुत टेस्टी लगती हैं ये। तो मैंने बस बनाई थी तो सोचा कि शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरी वीडियो भी नहीं गई थी। तो बस अब उसके बाद मैं हाथ धो के कर देती हूँ प्लेटिंग। तो देखो कुछ इस तरह से ये बन के रेडी है। हेलो गाइस, जय माता दी। तो मेरे कुट्टू के आटे की पकौड़ी बन के रेडी है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी रहती है तो एकदम बन जाती है 5 मिनट में, काफ़ी टेस्टी लगती है, खासकर बच्चों के लिए बहुत पसंद होती है ये। तो जल्दी जल्दी से आलू काट के फटाफट बन जाती है अगर टाइम नहीं है तो। तो गाइस, आज की रेसिपी कैसी लगी, मतलब आज की पकौड़ी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो छोटी सी रेसिपी है लेकिन फिर भी कमेंट करके बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खाते रहिए, इंजॉय करते रहिए।